नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। अब की बार भारतीय टीम पाकिस्तान के सामने पूरी मजबूती के साथ मैदान पर उतरेगी। आपको बता दें कि एशिया कप में 19 सितंबर को भारत और पाकिस्तान का आमना सामना होगा, जिस मैच का इंतजार हर किसी को रहता है। लेकिन इस बार सवाल ये है कि क्या सातवीं बार चैंपियन बन पाएगा भारत। आपको बता दें कि भारतीय टीम इस बार कप्तान विराट कोहली के बिना ही मैदान पर उतर रही है और टीम की कमान रोहित शर्मा को दी गई है। हालांकि टीम में महेंद्र सिंह धोनी भी हैं, लेकिन फिर भी कप्तान विराट कोहली की कमी इस वक्त जरूर खलेगी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मुकाबला बहुत ही खास और बहुत ही अहम होता है। ऐसे में टीम इंडिया क्या सातवीं बार ये खिताब अपने घर ला पाएगी, या फिर पाकिस्तान की टीम इस बार कुछ अलग कमाल करेगी। आपको बता दें कि इंग्लैंड के साथ अभी हाल ही में भारतीय टीम 4-1 से सीरीज गंवाकर लौटी है और इसके बाद एशिया कप के लिए खेलने के लिए दुबई चली गई है। तो ऐसे में हर किसी के मन में सिर्फ ये सवाल है कि इंग्लैंड के साथ सीरीज हारने के बाद क्या भारतीय टीम अब पाकिस्तान को हरा पाएगी, एशिया कप अपने घर ला पाएगी या नहीं। तो अगर आपको भी लगता है कि भारतीय टीम सातवीं बार एशिया कप जीतकर अपने घर ला पाएगी या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।